ना मेरे पास पैसा है और ना मेरे पास कोई दारू है। जो लोग जनता को लूट करके दारू और पैसे पे चुनाव करवाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आज मुजफ्फरपुर इंदिरा देवी जिला पार्षद की अध्यक्ष रहीं और मुसाफिर पासवान जी की वो बहू है, उन्होंने लगभग करोड़ों रुपया खर्चा करके और 8000 वोट से उनको वहाँ की जनता ने पराजित किया। राम सुतराय जी हमारे यहाँ मंत्री हैं, उनके भाई भी करोड़ों रुपया खर्चा किया, मंत्री जी के भाई जो 92 वोट से हार सकता है, तो इससे ये साबित होता है कि अब जो बिहार के युवा है और बिहार की जनता है वो जाग चुकी है, पैसे पे दारू पे यहाँ वोट करने नहीं आ रही। लोग इसलिए बढ़ती गई समस्या क्योंकि लोग दारू पे पैसे पे कि दम पे वो लोग वोट खरीदने चाहते हैं, लोगों को मजबूर कर नहीं। इससे पहले भी हमने विधानसभा का चुनाव जाले से लड़ा था 2015 में और मैं जिला परिषद 44 के लिए मैं इस सीट को मैंने अपने लिए सुरक्षित रखा था और 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद, जनताओं के बीच रहने के बाद हमने आज 44 कटरा से जिला परिषद सदस्य के रूप में मैंने आज नामांकन किया जी। मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि 44 कटरा की जो स्थिति है, इन लोगों ने 15 साल से कटरा को लूटने का काम किया, 10 साल उन्होंने कभी जमीन बेचने के नाम पे और भट्टा बेचने के नाम पे रो रो करके जनताओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, किसी ने कफन लेकर के जनताओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, और जो प्रत्याशी लगातार 3 बार हार करके चुनाव मैदान में 4थी बार इमोशनल जनताओं को ब्लैकमेल करके कफन के नाम पर चुनाव जीतने का काम किया, वो प्रत्याशी आज 44 कटरा की जनताओं को कहते हैं कि पैसा जितना खर्चा हो जाए मैं चुनाव जीतूंगा। तो आज जिस समय उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जमीन बिक गए, उसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन आज उनके पास इतनी प्रॉपर्टी हो गई है कि वो जनताओं को खरीदने की बात करती है। लेकिन 44 कटरा की जनता समझदार है, हम युवाओं के साथ है और हमने लगातार 5 सालों से 44 कटरा के लिए ही नहीं, पूरे कटरा प्रखंड के, मैंने बाढ़ की जैसी समस्या हुई या बिजली की समस्या हो या कॉलेज की समस्या हो या किसी भी छात्र युवाओं की समस्या हो, मैंने 24 घंटा निस्वार्थ जनताओं के सेवा किया और इसीलिए आज मैं यह 44 कटरा के लिए, 44 कटरा के हालात बदलने के लिए, 44 कटरा के लिए जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए मैं आया हूँ। सबसे पहली बात है कि हम लोग तो सर क्षेत्र बदलने के लिए आए हैं, ना मेरे पास पैसा है और ना मेरे पास कोई दारू है। जो लोग जनताओं को लूट करके दारू और पैसे पे चुनाव करवाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आज मुजफ्फरपुर इंदिरा देवी जिला परिषद की अध्यक्ष रहीं और मुसाफिर पासवान जी की वो बहू है, उन्होंने लगभग करोड़ों रुपया खर्चा करके और 8000 वोट से उनको वहाँ की जनता ने पराजित किया। राम सुतराय जी हमारे यहाँ मंत्री हैं, उनके भाई भी करोड़ों रुपया खर्चा किया, मंत्री जी के भाई जो 92 वोट से हार सकता है, तो इससे ये साबित होता है कि अब जो बिहार के युवा है और बिहार की जनता है वो जाग चुकी है, पैसे पे दारू पे यहाँ वोट करने नहीं आ। जो युवा या जो भी नेता 44 कटरा के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए काम करेगा, काम के आधार पर हमारे यहाँ की जनता, मुझे उम्मीद है कि वो 14 तारीख का जो रिजल्ट होगा, 12 तारीख को जो वोटिंग होगी, उसमें मुझे जीत दिला करके मुजफ्फरपुर में भेजने का काम करेगी। पहला लक्ष्य जो मेरा है वो हमारे क्षेत्र की जो स्थिति है कटरा प्रखंड की, वो शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति वो बद से बदतर। दूसरी स्थिति जो है वो शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति है, वहाँ हॉस्पिटल वगैरह है नहीं। तीसरी समस्या हम लोगों को जो होती है वो बिजली की समस्या होती है, और बिजली की समस्या को मैंने हमेशा से लड़ा, और SDO साहब जब पूर्वी SDO साहब कहते हैं कि कटरा प्रखंड को 15 दिन बिजली नहीं मिलेगी, लेकिन नैन वर्ष जब वहाँ पहुँचता है 11-33 हज़ार का पोल गिरा हुआ होता है, SDO साहब का बयान आता है 10 बजे कि 15 दिन कटरा को बिजली नहीं मिलेगी, लेकिन नैन वर्ष वहाँ पहुँच के ऐलान करता है कि पूरे कटरा प्रखंड को मैं 24 घंटे में बिजली दिलवाने का काम करूँगा। हमारी टीम वहाँ काम करके 24 घंटे में मैंने वहाँ बिजली की समस्याओं से दूर किया, और मैं चाहता हूँ कि जीतने के बाद कटरा प्रखंड को हमेशा हमेशा के लिए जो बिजली की समस्या है मैं उनसे मुक्त दिला दूँगा। मेरा नाम नैन वारसी हुआ, 44 कटरा से जिला पार्षद सदस्य के रूप में आज नामांकन किया हूँ। जो है 15 साल से जब राजनीतिक में नहीं भी थे, क्रिकेट टीम की तरह 11-12 प्लेयर थे और सैलाबी एरिया है हमारा काफ़ी, और जब राजनीतिक में नहीं भी थे तो हम लोगों की हेल्प किया करते थे, लेकिन जब उम्र हम लोगों की बढ़ती गई तो समस्या भी धीरे धीरे बढ़ती गई कमने की जगह, और लोग इसलिए बढ़ती गई समस्या क्योंकि लोग दारू पे पैसे पे कि दम पे वो लोग वोट खरीदने चाहते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं, अलग अलग तरीके की बातें बोली जाती है, जो लोग अलग अलग अपने समस्याओं को भूल जाते हैं और लोग डर से किसी के साथ में जाते हैं तो कोई किसी के शौक से समर्थन में जाते हैं, लेकिन पारिवारिक प्रॉब्लम जो है, सैलाबी एरिया हुई, हर परिवार की प्रॉब्लम है, बिजली की समस्या हुई, एजुकेशन की, स्वास्थ्य की, और उस पर हमारी पूरी टीम अभी तक खड़े उतरी है। आज के डेट में लोग पानी देने का काम नहीं करते, आज के पॉलिटिशियन मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है 15 दिन पहले 20-20 दिन पहले, उसके बावजूद जब जाते हैं मिलने के लिए तो मुलाकात नहीं होता है, 6-6 घंटे वेट करते हैं। आज इनके हमारे पास किसी के पास भी आप मिल सकते हैं,
नैन वारसी हो या नैन वारसी की पूरी टीम, किसी के साथ आप मिल सकते हैं और उनके उनकी जो बात आप नैन वारसी को कहना चाहते हैं किसी को भी कहकर ये काम आपका तुरंत 5 से 10 मिनट में किया जाता है और काम पे एक्शन लिया जाता है। और इसीलिए हम लोग यहाँ तक उठकर आए हैं और लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है कटरा 44 के लोगों को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सिबगतुल्ला खान हुआ। जो आपको दिखाता है सच का आईना।